हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला, जो बहुत ही इजी है और बहुत डिलीशियस बनती है। तो घर पर ही ढाबा का मजा लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल और पनीर को डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। और जो पनीर मसाला है उसमें जो पनीर है उसको कच्चा नहीं डालते हैं, उसको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है। उससे जो पनीर की जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी आती है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये पनीर बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हम अभी मसाला फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच तेल और थोड़ी सी बटर। टेस्ट के लिए बटर डालने से अच्छी टेस्ट आती है। और अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी जीरा। फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे प्याज पे थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ ताकि जो प्याज है वो जल्दी से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो जिंजर गार्लिक की जो रोस्ट स्मेल है वो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, मैंने उसको ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाला। मैंने यहाँ पे लिया है स्वाद अनुसार नमक और किचन किंग पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का किचन किंग पाउडर ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैं इसको डाल दूँगी और पाउडर मसाला डालने के बाद ही मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी पानी, ताकि जो पाउडर मसाला है वो ना जले और मसाला के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और तेल भी जो है सरफेस में आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है करी में। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। जो पनीर मसाला की जो ग्रेवी है वो मैं थिक रखना चाहती हूँ, तो मैंने इसमें कम पानी डाला है और इसको उबाल आने देंगे। तो बस उबाल आ चुकी है और इसमें मैंने पनीर भी डाल दिया है और इसको मैं अभी ऐसे ही बॉईल होने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और मेरा गैस का जो फ्लेम है वो अभी मैं मीडियम टू लो में रखा है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं कमेंट में। और अगर वो अच्छी सजेशन होगा तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच फ्रेश क्रीम और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये क्रीम डालने से जो ग्रेवी की स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्रीमी से हो जाती है, बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें फ्रेश घर का जो मलाई होता है ना घर में, वो डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपके मलाई भी नहीं है अगर आपके पास, तो आप थोड़ी सी 1/2 कप दूध भी डाल सकते हैं इसमें।
और अगर आपको पनीर की ग्रेवी थोड़ी मीठा पसंद है तो आप इसमें हाफ चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो लास्ट में मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारा ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देख सकते हैं इसकी लुक्स कितनी यम्मी है। तो बस इसको गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ इसको एंजॉय करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय।